हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, जैसे कि फोड़े, फुंसियाँ। गर्मियों में जब हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें जो क्लॉग्ड गंदगी है, उसकी वजह से जब पसीना बाहर नहीं आ पाता तो उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाता है और वो पिंपल के रूप में बाहर दिखाई देने लगते हैं। तो गर्मियों में ये प्रॉब्लम बहुत ही होती है, मुझे भी कभी कभी होती है। ब्रेकआउट तो कभी नहीं हुआ मुझे और ना ही होगा, क्योंकि मैं इस तरह से ध्यान रखती हूँ। जिनको लेकिन ये प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए ये बहुत ही रामबाण इलाज होने वाला है। अगर आपका कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप पे 100% इफ़ेक्ट करेगा, और वो भी केवल 7 दिनों में। 7 दिनों में आप इसमें अगर फ़र्क नहीं देखेंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। अब मेरे पे एक दादी थी, उनकी स्किन, उनके हेयर्स, उनकी आँखें, उनकी डेथ तक बिल्कुल सही सलामत थे, और उनके बाल भी 100% सफ़ेद नहीं हुए थे, सिर्फ 30% उनके बाल सफ़ेद हुए थे। और उनकी एज आपको पता है, उनकी एज थी 106 साल। जी हाँ, 106 साल की थी वो। तो मैं उनके पास बैठ करके कुछ सीक्रेट्स पूछा करती थी, इसके लिए मुझे ये चीज़ पता है। कि मैंने पूछती थी कि दादी, आपके गाल इतने स्मूथ हैं और आपके फेस पे कोई दाग, कोई धब्बा, कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि हम ये आजकल के क्रीम पाउडर ये सब हम कभी लगाते ही नहीं थे, और हमको कभी मिला भी नहीं, ये सारी चीज़ें थी ही नहीं उस टाइम पे। तो हम देसी इलाज करते थे, हम ये ऐसे ऐसे तरीके अपनाते थे। तो उन्होंने ऐसा बताया मुझे। तो मैंने पूछा उनसे, तो उनसे ये मुझे पता चला था कि जब हमको दाग धब्बे, और गर्मियों में जब हम धूप में जाते हैं तो पिगमेंटेशन होता है, कील मुहासे आ जाते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि बेटा, जो ये होती है ना, ये पत्तियाँ, समझ में आ गया होगा, ये पत्तियाँ बिल्कुल जादू की तरह काम करती हैं। आपको जितना जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नींबू के पत्ते या फिर इसके पत्ते, ये आपको पीस लेने हैं। इस तरह से मैंने पीस के रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये आपको पीस लेना है। इसके बाद आपको इसमें मिक्स करना पड़ेगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा आप जेल मिक्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पानी जैसा ना हो जाए। इसके लिए हम थोड़ा ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि फिर इसको कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगी, जिससे ये टपके ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसमें ले रहे हैं एक पिंच, 1 से 2 पिंच आप ले सकते हैं, जितनी आपको आवश्यकता हो। तो ये 1 पिंच के लगभग इतनी ही मैंने ली है, छोटी सी चमची है मेरी। तो इसमें मैंने लिया है हल्दी का पाउडर, ये कस्तूरी हल्दी है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल हल्दी ले सकते हैं, किचन वाली। और एलोवेरा आप पत्तों वाला भी ले सकते हैं, मार्केट वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। मिक्स कर लीजिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तब लगाने के लिए रेडी है। बस सिंपल सी चीज़ है, मैंने बताया था ना आपको कि सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं, बस हमें पता नहीं होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि नीम का पत्ता अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे पिंपल, एक्ने, ब्लैक हेड्स, इन सब की समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप नींबू का पत्ता यूज़ करते हैं तो उससे आपके दाग धब्बे, यहाँ तक कि मिलाज़मा को भी ये कवर कर सकता है। मैं गर्मियों में गांव जाती हूँ तो यहाँ इस पोर्शन में मेरे हल्के हल्के दाग नज़र आने लगते हैं। तो फिर मैं यही करती हूँ, नींबू के पत्ते, जो कोमल कोमल पत्ते आते हैं
उनको मैं पीस लेती हूँ, उसमें मैं एक चुटकी हल्दी मिला लेती हूँ और थोड़ा सा एलोवेरा, उनको मैं मिक्स करके इसमें स्क्वीज करके फिर मिक्स करके फिर मैं लगा लेती हूँ और लगा रहने देती हूँ। ये तो कोई नुकसान करेगा नहीं, तो लगा रहे जब तक लगा रह सकता है, जब तक मुझे बाहर नहीं जाना तब तक भले ही लगा रहता है। और वो हल्का हल्की आपको ऐसी लगेगी कि जैसे संतरे का छिलका आप लगाते हैं या फिर संतरे का जूस आप छिड़क लेते हैं तो हल्की झंझनाहट होती है ना, वो वाली फीलिंग आएगी आपको। तो इससे डरना नहीं है, वो नींबू के पत्ते का नेचर है। और जब आप ये नीम का पत्ता यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आपको पत्ते चेंज करना है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। नींबू के पत्ते मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको वो बना करके नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ये जो नीम का पत्ता है, ये जब आप लगाएंगे तो आपके आँखों से आंसू आएंगे, आपके आँखों से आंसू आए तो डरना नहीं है आपको, ये नेचुरल है। जो नीम के पत्ते में झांस होती है ये उसकी वजह से होता है, तो आपको डरना नहीं है। बस आपको या तो पूरे फेस पे लगा लेना है या फिर जहाँ पे अभी मेरे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पिंपल हो रखा है तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, मेरे पूरे फेस पे तो नहीं है। और ऑब्वियसली हम इंसान हैं, होता है हमें भी, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियाँ बहुत लोगों को सूट नहीं करती हैं, तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो ही जाते हैं। जनरली इस एरिया में या तो इस एरिया में ही प्रॉब्लम होती है मेरे, तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ पर मैं लगा रही हूँ। आप भी ऐसा ही करेंगे, अगर आपको पूरे फेस पे लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे फेस पे लगाएंगे तो भी अच्छी बात है, वो कोई नुकसान नहीं करेगा, है पिंपल्स या नहीं है उससे कुछ नहीं होने वाला, अगर आप पूरा भी लगा लेते हैं फेस पे तो। ये मैंने लगा लिया, बस अब आपको इसे छोड़ देना है। इस तरह से लगा करके आप छोड़ देंगे। अब इसको या तो आप पूरे दिन रहने दीजिए अगर आपको कहीं जाना नहीं है तो, या तो फिर आप आधे एक घंटे में लगा करके फिर धो सकते हैं, सूख जाने दीजिए उसको, अपने पूरे प्रॉपर्टीज़ को, अपने पूरे गुण आपकी त्वचा में पेनिट्रेट होने दीजिए, उसके बाद उसको काम करने दीजिए, फिर आप वॉश कर सकते हैं। तो जितनी देर रहेगा उतने ज़्यादा अच्छा से असर कर सकता है ये, और आपको ये कंटिन्यू 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों में आपके पिंपल्स, अगर आप पूरे फेस पे लगाते हैं तो होगा ही नहीं, और अगर आप जैसे मेरी तरह लगा रहे हैं इस तरह जहाँ जहाँ पे हैं तो उनमें बहुत ही जल्दी से आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। और क्योंकि इसमें एलोवेरा मिला हुआ है तो वो जो लालिमा और जो दाग धब्बे छूट जाते हैं पिंपल्स ख़त्म होने के बाद, वो तो होंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि आपके पिंपल के दाग धब्बे तो दिखेंगे ही नहीं, एलोवेरा इतना पावरफुल होता है। मैंने आपकी अपनी पिछली वीडियोस में बताया है आपको कि मैं जल चुकी थी इस जगह पे, देखिए कोई भी निशान नज़र नहीं आएगा आपको, बिल्कुल कोई निशान नज़र नहीं आएगा, जबकि इतनी जगह पे मैं जली थी, छोटी मोटी नहीं, इतनी जगह पे मैं जल गई थी। तो मैंने सिर्फ वही एलोवेरा का पत्ता काट के इतना ही बड़ा और वहाँ पे चिपका के फिर मैंने एक पट्टी बांध ली उस पर, उसके बाद तो पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ जली और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जबकि छोटे छोटे दाग जहाँ पे मैं एलोवेरा नहीं लगा पाई थी तो वो अभी दिखाई दे रहे हैं। तो इतना पावरफुल आज का ये जो रेमेडी है वो था। हॉर्मोनल अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस पर आपको इंटरनली काम करना होगा, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, आपके हॉर्मोन जो डिसबैलेंस हो चुके हैं उनको बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं और खान पान है और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके ये होता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें आप, और जितना ज़्यादा हो सके गर्मियों में कच्ची चीज़ें खाएं, सलाद खाएं, खाने के थोड़ा पहले या खाने के थोड़ी देर बाद आप सैलेड्स खा सकते हैं। मॉर्निंग टाइम पे भी आप कच्ची चीज़ें जैसे स्प्राउट्स, मूंग के स्प्राउट्स और चने के स्प्राउट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपका हॉर्मोनल जो डिसबैलेंस हो रखा है जिसकी वजह से एक्ने ब्रेकआउट हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे आप।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसी तरह की छोटी छोटी और सिंपल रेमेडीज़ के साथ आपके पास आती रहूँगी।